आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये जो सवाल है हमारे पास, इसमें हमसे पूछा गया है कि रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का रेडियो वेव हमें चाहिए, हम उसको किस तरह से पा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है FET, फिल्टर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, ठीक है। FET का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और बाकी जो है फिल्टर, रेक्टिफायर और ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, हमें रेडियो वेव चाहिए, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का चाहिए, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का रेडियो वेव हम ऑसिलेटर से पा सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर से क्यों पा सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेटर जो होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि पीरियोडिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पीरियोडिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और वो साइन वेव या फिर स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का रेडियो वेव हमें चाहिए, तो हम ऑसिलेटर का यूज़ करेंगे। तो इस सवाल में जो हमारा आंसर होगा वो चौथा वाला ऑप्शन, मतलब कि लास्ट वाला ऑप्शन, ऑसिलेटर हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का रेडियो वेव जनरेट करने के लिए हमें ऑसिलेटर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्लास 11, 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।